रास्ते में ड्रैगन नहीं होते, जब वो खा लेते हैं तो उनके अंदर और सारी आग फूक फूक वो आग होती है। बड़ा यौसम सा रास्ता है, और भाई जैसे आप उस रोड पे आगे आओगे जो चिपारा रॉक गार्डन के साथ साथ आता है, तो उस रोड पे आगे 2.5 किलोमीटर के अराउंड आपको मिलेगा वट्टई वाटरफॉल, जो अभी हम पहुंच चुके हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको भाई वट्टई वाटरफॉल। ये आप देख सकते हो भाई वट्टई वाटरफॉल की जो टाइमिंग है वो 7 AM से 6 PM है। और भाई ये यहाँ से एंट्री पॉइंट, यहाँ से जंगल के बीच से जाना है, और जैसा हर बार होता है बी केयरफुल भाई, क्योंकि जंगल में कुछ भी मिल सकता है। लेकिन ये देखो सामने वही है वाटरफॉल जो आप देख पा रहे हो, तो मुश्किल से रोड से 100 या 150 मीटर अंदर है। और भाई जब आप रोड पे आओगे तो आपको आवाज़ सुनने लग जाएगी। ये देखो अंदर आने के बाद यहाँ से आवाज़ आ रही है बहुत प्यारी, पानी की कल कल की, और ये कुछ ऐसा भाई छोटा सा वाटरफॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से आवाज़ आ रही है पानी गिरने की, एक ये और एक ये भाई यहाँ को, यहाँ पे शायद आप नीचे तो नहीं जा सकते हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये देखो भाई, और भाई एक ये है छोटा सा व्यू पॉइंट यहाँ पे वाटरफॉल पे, दो वाटरफॉल है, एक ये है छोटा सा। यहाँ पे नीचे जाना अलाउड नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ से आए और यहाँ के बाद कोई रास्ता नहीं है आगे जाने का। यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल तो नहीं कह सकते, छोटा सा है, बट पानी जगह जगह पे ऐसे आपको मिल जाएगा अगर आप बहुत आराम से कहीं पे भी पानी में पैर डाल के बैठना चाहते हो, तो ये वैसी लोकेशन है जहाँ पर आप आराम से पानी में पैर डाल के बैठ सकते हो काफी टाइम के लिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आओगे तो आपको जो दूसरा पोर्शन है वो ये दिखेगा, और भाई अगर आप फोटोग्राफी लोअर हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये देखो वो बोली मेरी शॉर्ट्स बना दे, देख सकते हो भाई ये पानी है, तो यहाँ पे आप आराम से रिलैक्स होके बैठ सकते हो, अपने शूज वूज उतार के आराम से पैर डाल के इसमें और पानी के साथ ऐसे खेल सकते हो, मतलब एक वो होता है ना नेचुरल, आप बिल्कुल एकदम फील कर सकते हो। ये इसमें यहाँ पे ब्लूबेरी है और काफी सारी है, ऐसे पता नहीं मुझे खाई जाती है नहीं, बट मैंने उसमें भी ड्रैगन नहीं होते, जब वो खा लेते हैं तो उनके अंदर और सारी आग फूक फूक वो आग होती है। मैंने उस मूवी में पता नहीं किसमें देखा है ये, उसमें तो ये वहां से मुझे एकदम से देख के मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो इसलिए अब हम चल रहे हैं वापस जिस वाटरफॉल पे नहाया जा सकता है, अब देखते हैं उसको कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है भाई नहाने का यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ यहाँ आने के लिए नहाने के लिए। और भाई ये ऐसा कुछ रास्ता है, और ये यहाँ पे एक छोटी सी पानी भरी हुई जगह है, तो जब भी आपको क्रॉस करना तो आओ तो बी केयरफुल भाई। अब हमें जाना है वहाँ पे, और ये है भाई फाइनल जो वाटरफॉल है, छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे आसपास में ये जो पानी जाता, तो आप वहाँ कहीं भी पैर डाल के आराम से रिलैक्स होने के लिए बैठ सकते हो। ये देखो भाई यहाँ पे कुछ ऐसी सराउंडिंग देखने को मिलती है आपको, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो, बैठना चाहो तो रिलैक्स होने के लिए। और गाइस ये यहाँ पे मेन वाटरफॉल है जो कि बहुत सुंदर है देखने में ऊपर से, और ये यहाँ पे इनको मिल गया नेचुरल फिश स्पा, और यहाँ पे देखो
देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पे चीज है। मेरे पति देवता भी यहाँ पे आया करेंगे। लड्डू अब तो तू यही आया करेगा। गाइज यहाँ की ना सबसे अच्छी चीज जो अभी तक मेरे पतिदेव को पसंद आई है वो है यही हिसिस्ता। ये यहाँ पे ऐसा बैठा है, ये हिल ही नहीं रहा है यहाँ से। और ये बहुत सारी ऐसे इकट्ठी हो रखी है। नेचुरल फिश स्पा का अपना अलग मजा है। और ये सामने ऐसे है छोटा सा वाटरफॉल, बट बहुत सुकून है, आदमी आराम से बैठ सकता है यहाँ पे, फिश स्पा ले सकता है, व्यू देख सकता है, काफी अच्छा है। क्या है ये देखो गाइस, अगर आप लोग देख पा रहे हो कितनी सारी फिश है। अगर कोई सच में फिश स्पा लेना चाहता है तो इससे बेस्ट अभी तक कोई भी वाटरफॉल नहीं है। चलो आगे। ये नजारा मुझे यहाँ मजा आ रहा है यार। चलना तो बोट बन के खड़ा मत हो, चल यार। ये देख कितनी सारी यार। चल थोड़ा थोड़ा आगे। इसको देख लो गाइस, ये ढंग से चल नहीं पा रहा है, सारी फीस अपने साथ लेके जा रहा है। अच्छा है मैं ना गई अंदर, वरना मैं किलकी मारती वहीं। और ये देखो अब इसके साथ में छोटा बच्चा भी चला गया, बट मुझे डर लग रहा है यहाँ पे इन फीस से। और ये देखो ये कितने मजे कर रहे हैं दोनों। कैसी फीलिंग आ रही है, कितना मजा आ रहा है। ये तो अब यहां से हिलेगा नहीं, पता नहीं ये तो कब से बैठा है यही। ये देखो ये नहीं डर रहा है बिल्कुल भी। लाडू चले ना, मैं तो ये कह रही हूँ चले घर अब। मुझे तो फील नहीं हुई यहाँ तो मछली। भाई अभी हम वॉटरफॉल से आ गए मेन रोड पे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। और भाई अगर आपको नेचुरल फिश स्पा लेना है या फिर आराम से बैठ के फैमिली पिकनिक पे आके पानी में पैर रख के आराम से एंजॉय करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। वट्टई वॉटरफॉल ज़्यादा बड़ा वॉटरफॉल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई इनफ है अगर आपको नहाना है। या फिर जो मुझे सबसे अच्छा पसंद आया वो था यहाँ पे नेचुरल फिश स्पा। बहुत सारी फिशेज हैं यार, मतलब 10 आदमी भी आ जाए ना तो वो भी एक साथ ले सकते हैं। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, और कोई कमी रही हो तो कमेंट करके बता देना, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले व्लॉग तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।